माहे बयम भागा नहीं फूट गया, हो गया हो गया। सब अच्छे से बधाई दो, सब लोग दो बारी बारी से आपको भी बधाई। ऐसे ऐसे भाई साहब ऐसे फोटो खींचो, चलो कल जी थोड़ा पीछे हो जाओ ना सब लोग, देखो सोफा इतना जगह खाया हुआ है। ले बैठ ले, बैठ लो, बैठ लो, फिर ग्रुप काम ही बन रही है। और मेरी शुभकामना है कि ये दोनों फिल्म काफ़ी अच्छी बने और काफ़ी सक्सेस हो, सफलता मिले और आगे भी इस तरह की फिल्में बने। आपके दोनों फिल्मों में नजर आएगी? अभी तक तो लगता है हमारे डायरेक्टर से हमने हाँ कहा है, तो मुझे खुशी भी होगी अपनी भाषा की फिल्म में काम करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भोजपुरी भाषा कोई भी मूवी अगर चूज करना हो आपको, तो ऐसा क्या चीज़ देखती है आप मूवी में कि मुझे ये चीज़ लुभा जाए कि मैं इसे इस प्रोजेक्ट को हाथ लूँ? मैं फिल्म में काम करूं या ना करूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि फिल्म ऐसी बने जिसमें कुछ कोई उद्देश्य हो, ताकि हम उस हमारे ऑडियंस, हमारे बच्चे, हमारा परिवार उससे कुछ सीख लें और जो भी बुराइयां हमारे समाज में हैं, जो नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ा पृथक हो जाए, अलग हो जाए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं ऐसी फिल्मों में काम करूँ या ऐसा दिशा निर्देश दूँ लोगों को, देखने वालों को भी और बनाने वालों को भी, कि वो एक अच्छी साफ सुथरी तो नहीं बोल सकते, बिकॉज ये ललित कला है और इसमें आपको श्रृंगार रस दिखाना है, इसलिए जिसे हम गंदगी कहते हैं एक्चुअली वो गंदगी नहीं होती है, वो श्रृंगार रस होता है। हम चाहे उसे जो भी बोले या जो भी नाम दें, तो श्रृंगार में भी ऐसा होना चाहिए ताकि हमें वो आकर्षित करे और मन को लुभाए, मन में कोई गलत भावना ना आए। आप हम बोल सकते हैं बॉलीवुड के लेजेंड क्या मैं आपको बोल सकते हैं मैम, हम अब आपको बातें भी सही से रख देती है, जो भी हो जाए मैम। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जो कहा है अभी रिसेंटली, उसके बारे में क्या रिएक्शन है आपका? सर मैं हिंदी और भोजपुरी दोनों से हूँ, और भोजपुरी जब दोबारा भोजपुरी की इनिंग शुरू हुई थी मनोज तिवारी वगैरह, उस समय से मैंने भोजपुरी की शुरुआत की। तो पहले तो काफ़ी तादाद में फिल्में बनती थी और काफ़ी लोग देखते भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे मेकर्स भी कम हो गए हैं और फिल्में भी कम बनने लगी हैं। ये होना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसको अपनी उसको बहुत ऊंचाई तक जाना चाहिए। बीच में ठहराव मतलब हमारे में कोई कमी है या ऑडियंस उसे देखना नहीं चाहता है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि किसी तरह का कोई ठहराव नहीं आए और हमारी भोजपुरी काफ़ी ऊंचाई पर पहुँचे। थैंक यू मैडम। मैंने सब लोग चार चार फिल्म बनाते हैं एक बार में, तो मैंने सोचा दो फिल्में एक बार में बनाना शुरू किया मैंने, और दोनों फिल्म सक्सेस तरीका से बनाने के नया सोच लेके मैं दोनों फिल्म को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इसके बारे में बताइए सबसे पहले क्या पवन एक्सप्रेस एक्शन मूवी है, और आपको दूसरा मूवी जो है लव स्टोरी है, बाकी जो दूसरी फिल्म है उसके बारे में वो लव स्टोरी मूवी है। मैंने दोनों एक साथ किया है, एक एक्शन है एक लव स्टोरी है। पवन एक्सप्रेस का जो पोस्टर है उसमें स्टार कास्ट नहीं दिख रहा है, तो कुछ फाइनलिस्ट है अभी? नहीं, स्टार कास्ट उसमें थोड़ा डिजाइनर ने लेट कर दिया, कुछ कलाकार फाइनल नहीं हुआ है, इस कारण से मैंने फोटो उसमें डाला नहीं। अच्छा, फिल्म की शूटिंग सर कब तक शुरू की जाएगी? अगले मंथ। और कहाँ करेंगे इसकी शूटिंग? बॉम्बे में होगा और नेपाल में होगा। हाँ, ये हमारे पवन कुमार हैं, और इससे पहले इन्होंने त्रिया चरित्र भोजपुरी पिक्चर में एज ए हीरो कर चुके हैं। पिक्चर हमने बिहार नेपाल हर जगह लगाया है, क्योंकि मैं डायरेक्टर के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और मार्केट के बारे में मुझे पूरा पता है, और इसीलिए मैंने फिर इन्हीं को लेकर
फिर दूसरी पिक्चर बना रहा हूँ और पवन एक्सप्रेस भी बना रहा हूँ, क्योंकि नया पवन का एंट्री मैं कर रहा हूँ, इसीलिए नया नाम पवन एक्सप्रेस। हाँ, इसलिए पवन एक्सप्रेस बन रखा हूँ। पवन जी, आप बताइए कुछ अपने किरदार के बारे में, फिल्म के बारे में। किरदार के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन ये तो बता सकता हूँ कि ये जो पवन एक्सप्रेस मूवी जो है हमारी कंपनी की तरफ से रिलीज होगी, जो एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इसमें रिमेक दिया गया है। और जहाँ तक डायरेक्टर जी आपको बताएं सारी जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी तो यही थी। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए चलिए, चलिए थोड़ा सा बीच में मैडम, थोड़ा हाँ पूजा क्या हुआ? गोपाल जी थोड़ा देखिए इधर रोल। Yes. शकीला जी, गोपाल जी की दो फिल्मों का एक साथ मुहूर्त किया जा रहा है, कुछ शुभकामनाएं देंगी शकीला जी अपने अंदाज में? बिल्कुल, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार संतोष। और मुझे यहाँ इनवाइट किए भूषण जी, संजीव भूषण जी, उनका शुक्रगुजार हूँ। और गोपाल जी के लिए मेरा मतलब आशीर्वाद है और दिल से दुआ है, तहे दिल से दुआ है कि जो पिक्चर बनाने आए हैं उस पिक्चर को मुकम्मल करें और रिलीज़ करें, और अल्लाह करे कि सुपर हिट हो। हमारी यही दिल से दुआ है। सकीना जी, आप भी दोनों फिल्मों में नज़र आ सकती हैं? मुझे कुछ पता नहीं है, ऊपर वाला चाहे और इन लोग चाहेंगे तो ज़रूर होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रहूँ या ना रहूँ इस पिक्चर में, लेकिन दिल से दुआ है कि गोपाल जी कामयाब डायरेक्टर हो और इनकी पिक्चर सुपर हिट हो, अच्छी तरह से मुकम्मल हो। अच्छा जी, आपकी एक फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है, दुल्हन गंगा पार के, जिसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है जी, कुछ बताइए उस फिल्म के बारे में। दुल्हन गंगा पार के, उसमें मैं खेसारी की माँ बनी हूँ और पिक्चर काफ़ी अच्छी है, सस्पेंस रहे तो ही बेटर है। और हम यही चाहेंगे कि अल्लाह करे वो भी पिक्चर सुपर हिट हो और आप लोग ज़रूर देखिए, देख कर बताइए कैसा लगा। खेसारी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा मैम आपका? खेसारी के साथ में मैंने मतलब काफ़ी पिक्चर किए, उनकी मदर का रोल, और ऐसा नहीं लगता है कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि सचमुच में वो मेरा बेटा है, इस तरह से हम लोग काम करते हैं। सकीला जी, इस फिल्म में खेसारी जी की बेटी फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर है, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? किस तरह की कलाकार है वो? बॉर्न आर्टिस्ट है, सुपर, बहुत अच्छे एक्टिंग करती है, मालूम ही नहीं पड़ता कि एक्टिंग की है। तो मेरी दिल से दुआ है कि वो बच्ची कामयाब रहे और पिक्चर सुपर हिट हो, और हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पिक्चर हिट हो, मैं यही दुआ करती हूँ, उसमें अच्छा रहेगा। पहले तो मैं हार्डली कॉम्प्रेस करना चाहूँगा गोपाल जी को, काफ़ी एक सुलझे हुए डायरेक्टर है, इनकी ये दोनों पिक्चर भी हिट जाए, सुपर हिट हो, और एक्शन है प्लस लव स्टोरी है जो आजकल चाहिए, एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पिक्चर बना रहे हैं, वो है। तो गिरीश जी, आपकी भी एक फिल्म चर्चाओं में है खास, तो बताइए कब तक रिलीज की जाएगी? ट्रेलर हमने देख लिया है, ट्रेलर तो जैसे लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, और बहुत जल्दी म्यूजिक भी लॉन्च हो रहा है उसका, एंड अप्रैल एंड तक हम इसे रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंसर के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं रंजना देसाई, इनके साथ पाठक सर के साथ मैंने
तीन चार मूवी किया है और तीन चार मूवी किया है और मेरी एक्सपीरियंस अच्छी रही है, तो आई थिंक आगे भी जो दो फिल्में हो रही है, मैं दोनों में हूँ या एक में आई डोंट नो, बट जो भी करूँगी अच्छा करूँगी। गोपाल जी कैसे डायरेक्टर हैं, किस तरह से देखती है आप सेट पर? बस सेट पे तो एक डायरेक्टर है तो डायरेक्टर के रूप में ही देखूंगी और काम करके मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील गोपाल जी की। दो फिल्मों का मुहूर्त है, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए और शुभकामनाएं दीजिए सभी को। पहले बस मेरा प्यार कर नमस्कार, मैं मोनिका रॉय और मैं बता दूं कि मैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री में न्यू हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी। जहाँ तक बात रही इस फिल्म की, तो मैं गोपाल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ ताकि ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हो। इसके पहले भी आपने एक फिल्म की है गैंगस्टर जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे किस तरह का अनुभव रहा है इस फिल्म को करने का? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक ये मूवी भी हिट जाएगी क्योंकि कुछ हटकर नाम है गैंगस्टर दुल्हनिया, तो मैं चाहूँगी सारी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ये फिल्म देखना ना भूलें जब भी ये मूवी आए। थैंक यू सो मच भैया जी, आइए। वो तंबाकू का पैकेट निकाल दीजिए, पारदर्शी 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 भोजपुरी में काम करते हैं हिंदी में भी दिए हैं आप थे करते थे। रजी सर, गोपाल जी की दो फिल्मों का मुहूर्त है, कुछ कहना चाहेंगे? गोपाल जी को सबसे पहले मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि भगवान उनको इस दोनों प्रोजेक्ट में कामयाब करें। एक प्रोजेक्ट में मेरा भी तस्वीर, मेरी भी फ़ोटो लगा रखी है उन्होंने, इसका मतलब मैं कर रहा हूँ, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूँ कि उन्होंने हमको कास्ट किया। और फिल्में बनती रहें, छोटी बड़ी नहीं होती, जो चल जाती वही बड़ी होती। और अभी इस साल का जो भोजपुरी का शुरुआत है वो इसलिए अभी तक तो बहुत मायूस रहा है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अभी फिल्म रिलीज होने वाली हैं, खास करके खेसारी लाल की आ रही है डमरू, भगवान करे वो चले। और एक हमारी फिल्म कंप्लीट हुई, मैं भी इसमें हूँ, दुल्हन गंगा पार, उसका ट्रेलर शायद आप लोगों ने देखा, वो लॉन्च हुआ है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत अच्छी कहानी है और बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। मुझे लगता है कि ये फिल्म 100% चलेगी, बाकी है तो सब भगवान अपने हाथ में पूछ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए अन्ना जी पास में। हमने ऐसे करके इंटरव्यू, अरे देखो तो सही, सीमा जी इधर देखिएगा, आपने देखा ना आज दो फिल्मों के मुहूर्त है, एक मेरे सपनों के राजकुमार और एक पवन एक्सप्रेस जो मुजफ्फरपुर से खुलती है और डायरेक्ट यहाँ पटना कुर्ला। मैं भी एक बार सफ़र किया हूँ, बहुत प्यारी ट्रेन है, बड़े प्यार से पहुँचाती है, तो बहुत खुशी की बात है। और पवन जी बहुत प्यारे, इधर आइए हमारा स्वीट बॉय जी, आप गोपाल जी हैं हमारे, गोपाल जी डायरेक्टर हैं, बड़े क्यूट से पहले भी बना चुके हैं पवन जी को लेकर के, और अभी दो फिल्में करने जा रहे हैं, और हम लोग की शुभकामनाएँ कि बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, फिल्म अच्छी से अच्छी बनाएँ और अपने भोजपुरी ऑडियंस को दें, और हमारी क्या मेहनत करना है बाकी दूसरे का इसका मन हमारी शुभकामनाएँ इनके साथ है और अपने साथ भी कि एक बेहतर फिल्म बन के हमारी इंडस्ट्रीज में। पवन जी, सीमा जी, आप भी हाँ बोलो बोलो, आप भी पवन एक्सप्रेस की सवारी करने वाली है? मैं पवन एक्सप्रेस की सवारी करूँ ना करूँ, लेकिन मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और आज दो फिल्मों का मुहूर्त हुआ है जिसमें मेरे सपनों के राजकुमार तो पक्का है कि मैं कर रही हूँ, डायरेक्टर साहब सामने हैं तो बोल ही रहे हूँ और दोनों फिल्मों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन हाँ
इसका फ़ायदा हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को होता है तो हमें भी होता है। इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे प्रोड्यूसर पवन कुमार जी को, डायरेक्टर गोपाल पाठक जी को। और मैंने सुना है हमारे जो हीरो हैं पवन कुमार जी, जो प्रोड्यूसर भी हैं, उनके नाम का टाइटल है पवन कुमार जी, वो बोलते बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि दो शब्द वो भी बोले। सिम्बा जी बॉर्न एक्सप्रेस में आइटम करने वाली हैं, सवारी का करना है। बोले पवन जी, बोले पहुंचे। पवन जी आज आपको कैसा लग रहा है, आज आपकी फिल्मों का मुहूर्त हो रहा है? बहुत अच्छा। आपका सिम्बा सिंह से अगर शादी करा दिया जाए तो बेटर रहेगा। क्या दिल की बातें मीडिया के सामने आज बोल रहा हूँ कि सिम्बा जी से मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कितने लोग लाइन में हैं? ऐसे वीडियो जरा दे देना, भाभी जी को घर पे दिखा दूंगी। अच्छा सीमा जी, आपको किस तरह का लड़का पसंद है, किस तरह के लड़के से शादी करना चाहेंगे आप, उसका थोड़ा ब्रीफ करेंगे? काला लंगड़ा, जो कुछ बोले ही नहीं, पहुंच जैसा बोले बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उठ जाओ तो उठ जाओ, जाओ तो जाए। मैं बोलूं ये बी है और लिखा रहे ए कि ये बी है तो बोले हाँ ये बी है, ऐसा तो ऐसा शायद कोई दीदी दीदी ये बी ही है, वैसा ही लड़का दीदी भी नहीं चाहिए। अच्छा, दीदी बी है, बी है, बी बी है, बी है, बी। चलो इसे बारे पवन जी ने कुछ तो बोला। पवन जी आप खुश है ना, आज मुहूर्त हो रहा है फिल्मों का? कब से स्टार्ट होगी फिल्म? कहाँ स्टार्ट होगी, कहाँ शुरुआत करेंगे? काठमांडू बर्फ में। तो मतलब मैं बॉम्बे शूट करूंगी या काठमांडू करूंगी? आपके बगैर काठमांडू में कहा, ठंडी के मौसम में गर्मी चाहिए ना। वैसे काठमांडू बहुत अच्छी जगह, मैं जस्ट अभी जाकर आई हूँ और मुझे पता नहीं था कि इतना यूपी बिहार मतलब भोजपुरी फिल्मों को देखा जाता है काठमांडू में। मैं जनकपुर गई हुई थी और मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ शो किया है। मैं थी, दिनेश लाल यादव जी थे, आम्रपाली दुबे जी थी, और इतना सारा प्यार लोगों का मिला है, लग नहीं रहा था कि हम लोग काठमांडू में, लग रहा था कहीं बिहार के किसी एरिया में। पूरा बिहार जैसा ही है। तो मुझे मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं डरी हुई थी एक्चुअली, इंटरव्यू देते समय भी मैंने सबसे बोला था वहाँ पर नेपाल में कि लाइफ में पहली बार मैं ऐसे ऐसे काँप रही थी कि पता नहीं कैसी ऑडियंस होगी, क्या होगी। लेकिन लगता था कोई आए ना जाए ठोकरी नहीं, लेकिन बहुत प्यार मिला है। ऐसा क्या कारण है? अब बिहार में आती तो ओले गिरने लगते हैं, यूपी में हो जाए ठंडी हो जाती है, बॉम्बे को गर्मी हो जाता है क्या? हाँ, क्योंकि मैं बहुत हॉट हूँ ना, इसीलिए वहाँ रिएक्शन हो जाता है ना। बिहार में सब हॉट है ज्यादा, तो हॉट हॉट मिक्स ओला बन जाता है, तो वो गोला बन के गिरता है, तो वहाँ ठंडी पड़ने लगती है। बॉम्बे में मतलब सब ठंडा है तो यहाँ पे हॉट हो जाता है, माइनस प्लस। और क्या बोलूं, और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारे फिल्म के पीआरओ जिनकी वजह से हम सब इकट्ठे हुए हैं, संजय भूषण जी, पटियाला जी, जो आज ही है पटियाला जी, नहीं संजय भूषण पटियाला जी, पटियाला पटियाला, वो जो अभी जस्ट फ्लाइट से उतर के यहाँ पे आए हैं दिल्ली से, हाँ। शाम को जाने वाले हैं। पूरी टीम हमारी आज दिल्ली से आई हुई है, सबका आप सबका स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है आज, आप लोग बहुत कीमती है हम लोगों के। आप लोग सुन रहे हैं, झेल रहे हैं, हम लोग को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, हमारे भोजपुरी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अविनाश जी, आप किस तरह ज्यादा किरदार करना पसंद करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? किस तरह का? मैं रोमांटिक करना ज्यादा चाहता हूँ, पर मैं जो करना चाहता हूँ अभी तक मिला ही नहीं, नहीं मिला। मैं कॉमेडी प्लस चुलबुला टाइप का करना चाहता हूँ। अभी डायरेक्टर ने मुझे कान आके बोला कि दोनों को हीरो हीरोइन लेना है। हाँ, हीरो हीरोइन, सीमा हीरो ना आप हीरो? अरे बाप, हम लोग मैं आइटम करके ही खुश हूँ। क्यों अरे क्या बात है, 100% लवली मोनिका जी गुड डांस बहुत अच्छी करती है। सीमा जी गोपाल जी को शुभकामना देंगे दोनों फिल्मों के लिए? हाँ बस मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे खुशी भी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, इस कंपनी का मैं हिस्सा हूँ। और जल्दी से शुरुआत कीजिए, एक अच्छी ओपनिंग कीजिए फिल्म की। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं गोपाल पाठक जी को, हमारे डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब पवन कुमार जी। इस महीने बहुत बिजी रहे, सॉरी पिछले महीने में हर दिन दो फिल्मों का शूट कर रही है, कुछ बताएंगे कौन कौन फिल्म आपकी शूट करके जस्ट लौटी है? मैं खुद ही नाम भूल जाती हूँ, जो मुझे नाम याद है वो है बॉर्डर। बॉर्डर एक ऐसी फिल्म है निरवा एंटरटेनमेंट की, जो लोग मुझे लगता है कि सालों साल तक मुझे याद रखेंगे। पूरी फिल्म एक तरफ और मैं एक तरफ हूँ उस फिल्म में। आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं भी हम लोगों ने पिक्स अपडेट नहीं किया है, क्योंकि वो थोड़ा सस्पेंस रखा गया है। जिस दिन आएगी सामने फोटो भी या फिल्में भी, लोग मुझे उस नाम से बुलाना शुरू करेंगे। जैसे कि राजा बाबू में
लोग मुझे बबली बोल के अब बुलाते हैं, और इस फिल्म से, बॉर्डर फिल्म से, लोग मुझे उस फिल्म के नाम से बुलाना शुरू करेंगे। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि कब वो रिलीज़ होगी फिल्म। और उसके बाद मैं की हूँ खुद्दार, लोहा पहलवान, लाल, और भी बनारसी पहलवान बनारसी पहलवान हाँ, लोहा पहलवान और बनारसी पहलवान। बनारसी पहलवान में पहलवानी करती है, पान खाती है? हाँ, पहलवानी करके सबको डिशुम डिशुम करके मैं आई हूँ, मतलब अपने ठुमकों से। और लाल में? लाल में मैंने एक बहुत ही अच्छा सा बोलते ना, वो गाने होते थे सलामीजा, मैंने उस टाइप का गाना किया, थोड़ा सा अलग और बहुत हटकर है। और स्पेशल इसलिए भी रहा कि एकदम हम लोग थावे वाली माता के मंदिर के पास में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, और पहली बार नवरात्रि के समय हम शूट कर रहे थे, और नवरात्रि में माता जी के दर्शन भी हुए। तो ऐसा सुनने में आया कि वो देश का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, आप बनना पसंद करेंगे? नहीं, फिलहाल घर तो चला लूँ, तब उसके बाद देश चलाऊंगी। रोल जी, सर आपका नाम तो आज दो फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं दोनों पिक्चर में हूँ। सुनील कुमार नाम है मेरा और मैं दोनों पिक्चर में हूँ, और पवन एक्सप्रेस उसमें भी हूँ और सपनों के राजकुमार उसमें भी हूँ। दोनों फिल्म में क्या कर रहे हैं आप? दोनों में मैं हीरो का रोल, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। थोड़ा अपने किरदार के बारे में ब्रीफ करेंगे ऑडियंस को? किरदार के बारे में तो नहीं कर सकते, क्योंकि सेपरेट रखना जरूरी है। फिल्म के डायरेक्टर के उसके बारे में क्या? डायरेक्टर हमारे गोपाल पाठक जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और प्रोड्यूसर हमारे पवन जी हैं। ओके, थैंक यू सर। आइए अश्रा जी। स्नेह जी, अपने बारे में दर्शकों से बताइए। और हाँ जी, मेरा नाम स्नेहा मिश्रा है, अभी तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं इस मूवी के बारे में। मैंने अभी फिलहाल दो मूवी किया है, और एक लव के लिए कुछ भी करें एंड दूसरा मेरा जी के साथ पूछो। इसके अलावा भी कुछ आपके आने वाले प्रोजेक्ट हैं? मुझे हेलो भाई, क्या कहेंगे फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के आदमी को? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौन जी? और ये अपना इधर आइए, गोपाल पाठक सर को। सो थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस फिल्म में कास्ट किया, तो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सभी ये जो पिक्चर है मेरे सपनों का राजकुमार, उन सबकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं इसलिए आया हूँ कि मतलब ये मुहूर्त के लिए, और दूसरी मेरी भोजपुरी में पहली पिक्चर आ रही है घात, एज अ सेकेंड विलन आ रहा हूँ मैं उसमें। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, उसका ट्रेलर देखिए, वो पिक्चर बहुत जल्दी अप्रैल में रिलीज़ होगी। फैमिली पिक्चर है, ऑडियंस को अच्छी लगेगी। थैंक यू। हाँ, रेडी रेडी, सीमा जी देखिए, आइए किला जोड़ो, रेडी सर। लंबू महाराज पीछे हैं, हो गया एक दो और लेते हैं। संजय जी आप, अरे भाई आप लो ना, हम आप लो, आप क्या, आप लो, आप लो, देखो भाई इधर ले लो, सब लोग ले लो। नहीं, सब काम का कैमरा लुक, कैमरा सर, एक कैमरा लुक सर, फोटो भी कर रहा है कैमरा लुक। गोपाल जी, गोपाल जी आप भी रहिए भाई, कहीं पे संजय जी आगे ना।
संजय भाई जा सर फोटो में डायरेक्टर का फोटो भैया थोड़ा सा डाउन कीजिए ना थोड़ा बुके नीचे रेडी नीचे तलाव के पूर्वक रुके हसुआ।